सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इम्पोर्टेड हुकूमत को दे डाला 440 वोल्ट का झटका। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल जब ऐवान सदर भिजवाया गया तो उन्होंने बगैर मंजूरी के वापस भिजवा दिए। शहबाज हुकूमत को हर आड़े टेढ़े काम के लिए खुली छूट नहीं दी जाएगी। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल 26 मई को कौमी असेंबली और 27 मई को सेनेट से मंजूर किए गए थे, लेकिन सदर मुमलिकत ने बिल आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत वजीर आजम को वापस भिजवा दिए। हिदायत की कि पार्लियामेंट और इसकी कमेटियाँ बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि कानून साजी की तजावीज पर मुतला नहीं किया गया और मुतला ना करके आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी की गई। कानून साजी पर कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी से मशावरत की जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। मुमलिकत ने कहा कि वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। वोटिंग मशीन बैलेट पेपर की छपाई और गिनती में मदद देती है। उन्होंने कहा कि नैब कानून में तरामीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। नैब तरामीम इस्लामी फिक्र की रूह के भी खिलाफ हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि नैब तरामीम से गैर कानूनी असासों की मनी ट्रेल हासिल करना मुश्किल होगी और अदालतों में मेगा करप्शन के केस भी बेनतीजा हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।